वास्तुशास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको रखने से घर में खुशहाली का वातावरण रहता है। इसी प्रकार अगर घर के दरवाजे के पीछे भूल से भी कपड़े नहीं टांगना चाहिए, ऐसा क्यों ये जानते हैं? भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के शास्त्र कहे गए, उसमें से एक शास्त्र जो है वास्तुशास्त्र है, जो कि घर घर के उस पर संबंध में कहा गया था, घर की वस्तु तथा सामान की देख रेख तथा उसे रखने के पर कहा गया है। इसमें बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तथा धन का आवागमन घर में बना रहे तथा स्वास्थ्य बना रहे। उसी प्रकार हम रोज कुछ ना कुछ गलती करते हैं तथा कुछ ना कुछ सही करते हैं तो कुछ गलत भी करते हैं। तो उसी प्रकार एक कार्य है कि जिसमें अपन अपने गंदे वस्त्र किसी को ना दिखे उसके ऊपर कार्य करते हैं, कि यह कार्य करते हैं कि घर पर अपन जाते हैं और घर में अपने गंदे कपड़े निकाल करके, जो पहने हुए कपड़े निकाल कर करके घर के दरवाजे के पीछे जो लगी रहती है कुंडियाँ लगी रहती है, एंकर लगे रहते हैं, उन पर टांग देते हैं, जिससे हमारे गंदे वस्त्र किसी और को ना दिखे तथा उसमें गंदगी प्रतीत ना हो। परंतु ये अत्यधिक गलत कहा गया है कि घर के ऊपर जो दरवाजा होता है, द्वार होता है, द्वार पर के शीर्ष पर देवी लक्ष्मी का निवास होता है तथा उस पर अगर गंदगी करेंगे तो उससे ही प्रसन्न देवी देवता थोड़ी ही बातों में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी ही बातों में रुष्ट भी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यदि गंदगी रखी जाती है, और देवी लक्ष्मी का तो नियम ही है कि जहाँ पर सात्विक होता होती है, जहाँ पर सफाई होती है, वहाँ पर देवी लक्ष्मी विराजमान होती है, तो वहीं घर के द्वारों पर अपन गंदे वस्त्र टांग कर करके उनको अप्रसन्न करते हैं तथा घर के दरवाजे के पीछे गंदे वस्त्र टांगने से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं, जिसमें से एक हानि कही गई है कि गंदे कपड़े पटांगने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। और दूसरा कहा गया है कि इससे अपने बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं तथा जो भी कार्य अपन करते हैं उसमें अपने को लाभ नहीं मिलता तथा ना के बराबर उसका फल प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के कष्ट आदि उपलब्ध होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए घर के दरवाजे के पीछे की तरफ कपड़े गंदे कपड़े न टांगे तथा देवी माँ प्रसन्नता के लिए दरवाजे की सफाई तथा घर की सफाई रखें।